हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है नवीन जी के जीएस चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार आईटीआई ऑफलाइन काउंसलिंग जो है, तो विलिंगनेस सबमिट कैसे करेंगे, और कुछ कैंडिडेट का जो है कमेंट आ रहा है, तो उस कमेंट को भी आज इसमें डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप सभी का भी जो है जवाब मिल जाए, आप सभी का अगर ऐसा ही कॉमेंट हो तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जो है फुल वॉच कीजिएगा, जिससे कि जानकारी मिल सके और कोई भी एक भी जानकारी मिस ना हो, इस चीज़ का आप सभी जो है ध्यान देंगे। तो आप सभी छात्र को अभी कुछ नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ जो है यहाँ पर देख सकते हैं विलिंगनेस ऑफ आईटीआई कैट 2022 मॉप अप राउंड काउंसलिंग ऑफलाइन काउंसलिंग, तो आपको जो है इस पर सबमिट कर देना है। यानी कि आप अगर एडमिशन ले लिए हैं, ट्रेड पसंद नहीं है, तो भी सबमिट कर दीजिए, जिससे कि ऑफलाइन में आपका चेंज हो जाए। तो चेंज करने के लिए क्या प्रोसेस होगा वो भी जो है आगे वीडियो में बताया जाएगा। तो आप अभी कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर जो है रोल नंबर डाल करके और यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है आपका फिल कर दीजिए, और जो है अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके जो है 100 रैंक कीजिएगा, और उसके बाद जो है विलिंगनेस सबमिट का ऑप्शन होगा, तो उसको जो है सबमिट करके और उस पर जो है ऑप्शनल आईडी क्रिएट होगा, तो उसको जो है एक प्रिंट आउट रख लीजिएगा अपने पास। ठीक है, और उसके बाद जो है अब चलिए कमेंट डिस्कस करते हैं, और ये कार्य जो है सभी छात्र करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखेंगे, और वैसे छात्र नहीं कर सकते हैं जो अपना एडमिशन ले लिए हैं, उनको अच्छा ट्रेड मिल गया है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिकल, ये सब ट्रेड अगर मिल गया है तो वो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको अच्छा ट्रेड मिल चुका है तो वो नहीं भी करें तो ज़्यादा अच्छा है, और जिन कैंडिडेट को प्रॉब्लम है तो वो कैंडिडेट ज़रूर विलिंगनेस सबमिट कर दें, जिससे कि जब भी लिस्ट जारी होगा तो उसमें रोल नंबर आ जाएगा, और कैटेगरी के अनुसार और डिस्ट्रिक्ट वाइज यहां पर जो है काउंसलिंग होगा पटना में, तो आप सभी को जो है पटना भी आना पड़ेगा जब काउंसलिंग डेट दिया जाएगा और टाइमिंग दिया जाएगा उसी डेट और टाइमिंग में। तो सबसे पहले हम इस कॉमेंट को देखते हैं, जिनका नाम है कॉमेडी डांस गुरु। अब ये कौन है, नाम तो नहीं है लिखा हुआ, लेकिन जो है इनका मैसेज रीड करके देखिए। सर, मेरा फर्स्ट राउंड में ही जो है नाम आ गया था, और मेरा एडमिशन का डेट जो है 4/9/2022 तक ही लास्ट डेट देते था। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है लगता है, उसके बाद जो है लेकिन हम एडमिशन नहीं करा पाए। ठीक है, प्लीज़ सर कोई भी उपाय बताएं जिससे मेरा एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट करते हैं जो है एडमिशन हो जाए, आपका रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। तो इनके लिए जो है अभी कुछ नहीं करना है, अगर एडमिशन उस डेट में नहीं किसी कारणवश गए तो अभी जो है इनको सिर्फ विलिंगनेस सबमिट कर देना है, और जो है अपना डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखना है। तो इनको जो है लिस्ट जब भी जारी होगा, काउंसलिंग डेट दिया जाएगा, उस डेट को जो है अपना काउंसलिंग सेंटर पर आकर के जो है काउंसलिंग करा लेंगे तो इनका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट में नाम आ चुका है तो इनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। अगर लिस्ट में नाम और रोल नंबर जो है आ जाता है, यानी कि इसमें रोल नंबर शो होता है लिस्ट में तो आ जाएगा, तो इनको जो है परेशानी नहीं होगा। चलिए दूसरा कमेंट लेते हैं, और इस कमेंट से भी आपको जो है बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। देखिए इनका कमेंट क्या था, सर मेरा एडमिशन ले चुका हूँ मैं, ये जो है मुझे ट्रेड पसंद नहीं है। अब इनको कौन सा ट्रेड मिला है ये मुझे मालूम नहीं, इन्हें पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं मॉपअप काउंसलिंग में जो है चेंज हो सकता है, प्लीज़ बताएं। तो इनका जो है मॉपअप काउंसलिंग में चेंज हो सकता है, सारा डॉक्यूमेंट इनको जो है कॉलेज में जमा कर लिया गया है, तो वहाँ से जो है एक रिसीविंग इनको लेना होगा, जो कॉलेज में सभी डॉक्यूमेंट जमा है, और उसके बाद जो है जाँच पर्ची दो, और जो है जांच पर्ची लेकर के जो है काउंसलिंग कराना होगा, तो इनका भी जो है चेंज हो जाएगा ट्रेड। कॉलेज वही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जो है ट्रेड चेंज ही करना चाहते हैं तो ट्रेड चेंज कर दिया जाएगा इनका, फिर से जो है अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा प्रिंट आउट करके, डॉक्यूमेंट वगैरह जमा ही है तो इनको ज़्यादा परेशानियाँ नहीं है, जाँच पर्ची भरना होगा और अपना जो है फॉरवर्ड करा करके कॉलेज से इनको देना होगा, जमा कराना होगा। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक छात्र हैं, ये जो है लगातार हमसे जुड़े हुए हैं,
तो इनका नाम है टुन्नू कुमार यादव। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद, ये रिप्लाई किए थे सर, बिहार आईटीआई का जो है मॉब काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, वीडियो बना दीजिए। तो वीडियो मेरा जब भी अपलोड होता है तो कोशिश यही रहता है कि सुबह में अपलोड किया जाए, जो है सुबह में सभी को जानकारी मिल जाए, जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन, अगर ज़रूरी रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है तो कभी भी अपलोड कर दिया जा सकता है, यानी कि जब भी आपका नोटिफिकेशन जारी होगा और उसी समय वीडियो अगर टाइम मिलता है तो बना करके जो है अपलोड कर दिया जाता है। और जो है अभी SCVT का जो है एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब भी है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं वही कमेंट किए हैं, यहाँ पर जो है उनका नाम कुछ और है लेकिन लोगो वही है, ठीक है, ग्लोबल नॉलेज। तो ये भी यहाँ पर कमेंट किए हैं, मेरा सेकेंड राउंड में आया है और जो है एडमिशन भी ले लिया हूँ, ट्रेड पसंद नहीं है तो दोबारा क्या करें। तो दोबारा आपको भी जो है वही प्रोसेस करना होगा, इस चीज़ का आप सभी ध्यान देंगे। और जो है जिन छात्र का फर्स्ट और सेकंड में भी नहीं आया है तो उनको टेंशन नहीं लेना है, उनको विलिंगनेस सबमिट करके जो है इंतज़ार करना है, जब लिस्ट जारी किया जाएगा उसमें रोल नंबर अंकित होगा, और उस अंकित होगा रोल नंबर तो उसी रोल नंबर के अनुसार और तिथि के अनुसार टाइमिंग के अनुसार जो है काउंसलिंग सेंटर पर जाना होगा सारा डॉक्यूमेंट ले करके, और CLC होगा तो CLC, SLC होगा तो SLC, तो जो भी होगा आपके पास जो है तो उस हिसाब से जो है आप सभी जो है डॉक्यूमेंट जमा कर लीजिएगा और अपने अनुसार जो है काउंसलिंग सेंटर पे उपस्थित होइएगा। अगर नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको जो है चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और जो है अपना ख्याल रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।